बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। साई कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। बता दें कि मंत्रालय महानदी भवन में शाम 5 बजे बैठक होगी। इस बैठक में मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी। कैबिनेट में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये तमाम यहाँ पर बिंदु है और जिसको लेकर उन विषयों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद कई फैसलों पर मंजूरी मिल सकती है, उस पर मुहर लग सकती है। राधे की शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मोदी की जो गारंटी है, जो चुनाव के समय बीजेपी ने जो गारंटी दी थी, जो वायदे किए थे प्रदेश की जनता से, उन वादों को पूरा करने की कोशिश लगातार हो रही है। एक एक वायदे को पूरा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मंत्रालय महानदी भवन में शाम 5 बजे बैठक होगी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, शाम 5 बजे बैठक हो कैबिनेट की, इस कैबिनेट की बैठक में कौन सा इस बार बड़ा फैसला लिया जाने वाला है सरकार के तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर साय कैबिनेट की आज प्रमुख बैठक आज मंत्रालय में रखी गई है और देखा गया है कि पिछले जब से सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ये 3 से 4 बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। मंत्रालय में ही यह बैठक आयोजित होती है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसमें साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित तमाम मंत्री जी, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यह माना जा रहा है कि प्रकार से मोदी की गारंटी की जाए, आवास योजना की बात की जाए, आवास के 18 लाख घर बनाने की बात की जाए, इसके साथ ही महतारी बंधन योजना की बात की जाए जिसमें प्रत्येक महिलाओं को हर साल में 12,000 रुपए देने की बात की जाए। इसके साथ ही एक बड़ा जो फैक्टर यह देखा जाएगा, हो सकता है आज की बैठक में 2 दिन का वक्त शेष बचा है, 26 से 29 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक बड़ा ऐलान किया था कि सभी जो राम भक्त हैं उनको जो है छत्तीसगढ़ से अयोध्या की ओर ले जाया जाएगा, सरकार अपने खर्चे पर अयोध्या ले जाएगी। तो हो सकता है कैबिनेट की बैठक में आज इसको मंजूरी दी जाए और डेट फाइनल की जाए, हो सकता है 26 तारीख या 29 तारीख से छत्तीसगढ़ के सभी राम भक्तों को जो है अयोध्या ले जाया जाए। तो इसको लेकर हो सकता है आज की बैठक में मंजूरी दी जाए, ये प्रमुख मुद्दा हो सकता है। इसके साथ ही आवास की जो बात की जाए, आवास को लेकर लगातार सरकार ने कहा है कि ये प्रमुखता से उठाएंगे, तो हो सकता है आवास की डेट भी घोषित की जाए और लगातार उसके पैसे भी लोगों के खाते तक पहुंचना शुरू हो जाए। तो देखिए, लगातार इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वनोपज लघुपज की बात की जाए, 5500 रुपये देने की बात की थी, तो देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार कैबिनेट की बैठक होती आई है और जल्द ही इन पर मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल आज बड़ी बैठक शाम 5 बजे मंत्रालय में रखी गई है। बैठक के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस प्रकार की जो है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा।